व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वॉचिंग एचडी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान स्पेशल से एक न्यूज़ क्लिप जिसका टाइटल है कि INS अरिघात ने रचाई हिस्ट्री, और आगे क्या लिखा है, दुनिया हैरान। तो देखते हैं जनाब क्या है ये, कोई वॉरशिप है, कोई सबमरीन है, क्या है ये, ठीक है, फ्रिगेट है। देखने पे बात पता चलेगा, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम उसका कोई बैकग्राउंड सर्च नहीं करते, फिर वो मज़ा नहीं रहता, वो वैसा रिएक्शन नहीं आता फर्स्ट टाइम वाला। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नई नई चीज़ें हमें सजेस्ट करना। 3, 2, 1, 9। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय नौसेना को स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS उसको बोलते हैं सबमरीन, इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल कर लिया गया है। इसमें कई तरह के नए अपग्रेड किए गए हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक SSBN है। इसे विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया। इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है। ये पानी के अंदर करीब 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। रेंज असीमित है, यानी खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस रहे तो असीमित समय तक समुद्र में रह सकती है। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर पर आवर और पानी के अंदर 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रदान करेगा। अब पाकिस्तान मीडिया INS अरिघात के कमीशन होने से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। INS अरिघात, इंडियाज सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी कमीशन ऑन August 29। ठीक है, और इससे पहले आपको पता है कि ये जो पहली सबमरीन है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि कितनी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन इसके ऊपर एक तो देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इम्पॉर्टेंस है और वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई खरीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई भी वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो तो कंट्रीज हैं, और खास तौर पर जाहिर है कि जो जहाँ पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखिए वैसे तो मुकाबला कोई नहीं जा रहा है पाकिस्तान की, तो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक खासतौर पर इंटरनेशनल वाटर्स जो इस गुज़िश्ता कुछ प्रीवियस आप देख लीजिए, 1 ईयर में जो कुछ होता रहा है दुनिया में, जो हूतीज हैं उनके हमलों से लेकर वहां पर जो कश्तियां और जो शिप्स थे उनको बचाने तक, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नजर आता रहा। आपको पता है कई ऐसे क्रूज भी बचाए गए, यानी जिसमें के क्रू जो था उसमें पाकिस्तान के लोगों को भी जो फिशरमैन थे उनको बचाया गया। देखें कोई भी कंट्री जब अपनी खासतौर पर अगर उसके पास एक नेवल फोर्स हो, उसको नई कोई कमीशनिंग होती है ना किसी भी उसमें इक्विपमेंट की, व्हीकल की, ट्रांसपोर्टर की, ठीक है, तो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब जैसे इंडिया के पास जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है, तो एक ऑप्शनल चीज़ है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मेनलैंड का कोई जो है ना एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है, या फिर कोई भी आप कह लें एयरबेस फंक्शनल नहीं है जहाँ से ये टेक ऑफ कर सकें उनके फाइटर जेट्स, तो वो समंदर से टेक ऑफ कर सकते हैं और कहीं भी अपनी एयरफोर्स को लेके जा सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में। सिमिलरली आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती हैं वो भी एक अनकन्वेंशनल चीज़ है, और
आप मतलब दुश्मन के बिल्कुल सर पे पहुंच सकते हैं सबमरीन की मदद से। और न्यूक्लियर पावर है तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है कि किसी लंबे वक्त के लिए स्टे करना है तो फ्यूल का मसला होगा। हाँ, खाने की सप्लाई है, वो एक इतनी रखी जा सकती है कि मतलब 3 मंथ 4 मंथ के लिए भी अगर बैठना पड़े कहीं तो इजीली बैठ सकते हैं। तो एक डेवलपमेंट है ये, और इसको मतलब हमने अगर देखे जाए इंटरनेशनल वाटर्स में हमारी इतनी प्रेजेंस नहीं है पाकिस्तान की, जितना भी होसेस ने आजकल मचा रखी थी। तो हम देखते थे इंडिया के ही जो दो आप कह लें नेवल वेसल्स थे वो वहाँ गए हुए थे हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा था नहीं। तो हमसे ज़्यादा मेरे ख्याल में चाइना ज़रूर परेशान होगा इस न्यूज़ को लेके, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।